ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत ने भाजपा में कलह मचा दी है। ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को नसीहत तक दे डाली। उन्होंने कहा वह नौटंकी बंद करे और जनता की सेवा करे। मंत्री के सरकारी बंगले के बाहर बिस्तर लगाकर लेट गए, वहां धरना प्रदर्शन किया। अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे ने शिवराज सरकार पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री अनुप मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट करके रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि सांसों का संघर्ष अति दुखदायी स्थिति में पहुंच गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी ने व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने से लेकर उससे जुड़ी तमाम व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगी। प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा में 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है। अब आप अपनी कार में बैठे बैठे ही टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन की यह ड्राइव रोजाना शाम 6 से रात 9 बजे तक चलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शादी में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दें। यदि कोई इस निर्देश को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 23% बनी हुई है। एक्टिव केस 91,000 से ज्यादा हो गए हैं। इंदौर समेत प्रदेश के 24 जिलों में नए मरीज भर्ती करने के लिए ICU और HDU के एक भी बेड नहीं है।